उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे पालक आलू और प्याज के पकोड़े, जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होंगे बेसन 1.5 कप, पालक 1 कप, आलू 1 कप, प्याज 1 कप, हरा धनिया 2 टेबलस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, नमक हसबे ज़रूरत, हल्दी 1/4 टीस्पून, सोडा 1/4 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा 1 टेबलस्पून, हरी मिर्चें 1/2 टेबलस्पून और पानी हसबे ज़रूरत। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे पालक, अब हम इसमें डालेंगे प्याज, अब हम इसमें डालेंगे आलू और अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें, नमक, कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, कुटी मिर्चें। ये सारे मसाले डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। हसबे ज़रूरत पानी हम इसमें ऐड करेंगे, जितना हमें इसमें रिक्वायर्ड होगा, ज़्यादा इसको थिक भी नहीं करेंगे। सोडा भी डाल दिया हमने हाथ के, और ज़्यादा पतला बनाएंगे नहीं, हम बहुत थिक करेंगे इसको। हम नॉर्मल इसका बैटर रखेंगे और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ठीक, हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसमें हसबे ज़रूरत हम पानी डालते रहेंगे और इसका बैटर तैयार कर हम आपको बताएंगे। हमने इसको मिक्स कर लिया है और इसको हम थोड़ी देर रेस्ट पर रखेंगे और फिर उसके बाद इसको हम फ्राई कर आपको बताएंगे कि हम इसको कैसे फ्राई करें। तेल गरम करने रख दिया है और हमने चेक किया कि तेल कितना गरम हुआ है, इसमें हम पकोड़े डाल सकते हैं। तो अब हमें इस पानी से सब पकोड़े डाल रही हूँ और हम इसको फ्राई करेंगे। हमने पकोड़े यहाँ पर फ्राई करने रख दिए हैं, आप इसी तरह हम सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे और फिर इसको प्रेजेंट करेंगे। हमने ये पकोड़े सारे फ्राई कर लिए हैं और हमने इसको प्रेजेंट कर लिया है टमाटो केचप और इमली और आलू बुखारे की चटनी के साथ। और ये बहुत ही मज़ेदार और शानदार और क्रिस्पी पकौड़े हैं, बहुत ही अमेजिंग, जो इसको आप बारिश में भी खा सकते हैं। जैसे कि आजकल बारिशों का मौसम चल रहा है, उसमें बड़े कोई ज़बरदस्त लगते हैं। लोगों की फरमाइशें भी होती है कि बारिश के मौसम में गर्म गर्म पकोड़े खाए जाएं और लुत्फ अंदोज़ हो जाए मौसम से भी और इस पकोड़ों से भी। बहुत ही कोई अच्छे हैं, आप इसको ट्राई करिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पिक्चर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपनी सजेशन और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारे पकौड़े कितने अच्छे लगे और कितना हमने इसको इन्जॉय किया।